हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन व्हील। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो 2022 की सेफ्टी रेटिंग के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो न्यू वाली स्कॉर्पियो एन है उसकी सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में। अभी तक हालांकि जीएन कैप ने इसका क्रैश टेस्ट नहीं किया, यानी ग्लोबल एनसीएपी ने इसका क्रैश टेस्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 5 स्टार स्कोर करेगी। अभी हाल ही में ग्लोबल एनसीएपी के ऑफिसर्स ने महिंद्रा के उस प्लांट को विजिट किया जहाँ स्कॉर्पियो एन की असेंबली होने वाली है। वहाँ उन्होंने एक पर्टिकुलर मॉडल को उठाया, उन्होंने अपने पसंद से एक मॉडल को उठाया है और उसका क्रैश टेस्ट करने के लिए वो ले गए हैं। अब इसके रिजल्ट्स कब आती है ये तो नहीं मालूम, मगर इंडिया में यह चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि गाड़ी के लॉन्च होने से पहले ही उसके क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाती है, गाड़ी के आने से पहले ही। ये चलन मेनली टाटा और महिंद्रा ने किया है शुरू, और एक तरफ मारुति जैसे कार मेकर अपनी गाड़ियों को एनसीएपी में भेजने से ही परहेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये गाइस, इसकी क्रैश टेस्ट रिजल्ट कब आएगी? मेरे ख्याल से तो ये 26 जून 2022 तक आ जाएगी। हालांकि XUV 700 ने 5 स्टार स्कोर कर लिया, तो स्कॉर्पियो से भी हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि वो भी 5 स्टार स्कोर करेगी। और यहाँ तक कि पंच जैसी गाड़ी ने जब 5 स्टार स्कोर कर लिया तो हम ये भी सोच सकते हैं कि सफारी और हैरियर जैसी गाड़ी भी 5 स्टार जरूर से ज़रूर स्कोर करेगी। हालांकि सफारी और हैरियर का फेसलिफ्ट बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है, उसे कंपनी ने लॉन्च करने के बारे में सोचा है। अभी उसकी टेस्टिंग है, 1.5 लीटर का उसमें पेट्रोल इंजन भी हमें देखने को मिलेगा, और हो सकता है उसके लॉन्च से पहले उसके क्रैश टेस्ट रिजल्ट भी आ जाए। नहीं कुछ तो नहीं, सफारी और हैरियर मिलके 4 स्टार तो ज़रूर स्कोर करेंगे। 5 स्टार की तो ऐसे हम उम्मीद रख सकते हैं स्कॉर्पियो और सफारी दोनों से, लेकिन क्या पता इनके किस्मत में 4 स्टार ही हो। लेकिन ये 4 स्टार से नीचे स्कोर नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। टॉप सेफ कार मेकर्स की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ हैं और इनमें टाटा और महिंद्रा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इन्हें 5 स्टार दिलाने में। अब वो तो एनसीएपी ही बताएगा कि इनमें कैसा हमें क्रैश टेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, 4 स्टार या 5 स्टार, लेकिन उससे नीचे तो इसमें आना मुश्किल है। अब आपको क्या लगता है गाइस, क्या न्यू वाली स्कॉर्पियो हमें 4 स्टार या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ देखने को मिलेगी, या ये पुरानी वाली की तरह 0 पर आउट हो जाएगी? हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए आप सुने वो वीडियो जिसमें महिंद्रा क्लेम कर रहा है कि ये सभी SUVs का बाप होगा सेफ्टी में और हर एक चीज़ में। हालांकि आनंद महिंद्रा ने भी एक ट्वीट किया था हाल फिलहाल, और उन्होंने बताया था कि ये गाड़ी बहुत जल्द एक सेफेस्ट कार का बेंचमार्क सेट करेगी। मुबारक हो, बाप हुआ है, नाम है N, Scorpio N, the big daddy of SUVs. Is here.